हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रिपल कैरी। कश्मीर वाले ब्लॉग्स में आप लोगों ने देखा होगा कि आई हैड सम मेडिकल इश्यूज, पेट दर्द था एंड ऑल। तो वापस आने के बाद सप्तेश ने ज़बरदस्ती स्कैन करवाया और मुझे काफ़ी सारे मेडिकल इश्यूज भी आए और मेरा ऑपरेशन भी हुआ। तो ये वाला हम लोग एक शॉर्ट सीरीज चालू कर रहे हैं, ये मेरा पूरा जर्नी कवर करने के लिए, फ्रॉम पेन टू नाउ व्हेन आई एम स्टिल रिकवरिंग एंड हाउ डिड आई स्टे अवे फ्रॉम सुवान, ही इज़ जस्ट 1 year and 4 months old। तो यही सब लेके आप लोग भी हमारे साथ ये जर्नी कवर कीजिए। हेलो गाइस, सो आज 10th April, एज यू कैन सी फ्रॉम द अटायर मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ, पर ऑफिस आज सोल पर्पस नहीं है। आनंदिता वेंट फॉर अ फ्यू स्कैन्स बिकॉज पेट में दर्द हो रहा था कुछ दिन, एंड देन वी मेट अ डॉक्टर, उन्होंने कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब किए थे एंड बोले थे कि अगर इसके बाद भी द पेन डजंट सबसाइड यू नीड टू गो फॉर सम स्कैन्स। तो स्कैन हुआ, द रिजल्ट आर नॉट वेरी एनकरेजिंग। तो आज हम लोग जा रहे हैं अपोलो, इवन दो वी नो वॉट हैज हैपेंड बट अभी नहीं बोलते, देखते और एक स्कैन के बाद असर्टन होगा कि नहीं। सो फॉर नाउ हम लोग जा रहे हैं अभी अपोलो गाइनेक के पास, जिन्होंने अनन्यता के प्रेगनेंसी किट थे उनके पास ही जा रहे हैं अभी, और उसके बाद मैं थोड़ा ऑफिस में कुछ देर बिता के फिर वापस। हाँ, तो होपफुली सब ठीक रहे। ये एक अनन्यता का जर्नी है जो आई वॉन्टेड टू कवर, सो लेट्स सी विथ एवरी पासिंग डे जो भी अपडेट मिलता है आई विल शेयर विथ यू गाइस। अनन्यता को बिलिंग करने अपोलो छोड़ के आई वेंट टू ऑफिस, तो थोड़ा तो काम हुआ, ज़्यादा काम तो हो नहीं पाया क्योंकि द डॉक्टर इज ऑलरेडी हियर, सो आई हैड टू रश बैक। तो अभी जा रहा हूँ अनन्यता के पास, मैं अभी हूँ अपोलो के आगे वाला सिग्नल पे। So the doctor said कि cystic ovary is not always PCOS, तो ऐसा कभी कभी हो जाता है कि ऐसा मतलब अभी manifest हो रहा है, शायद starting stage में है। So अभी आप अपना lifestyle अच्छे से maintain करो, diet, exercise and all, and after 6 months he'll test again, तो तब तक शायद ये फिर revert भी हो सकता है। So ये तो एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, नाउ नेक्स्ट we also have a gastro problem but wo maybe when we go for a checkup we'll discuss about it. Hello and welcome back to our vlog. Aaj hai 19th of April aur aaj ja rahe hain anindita ka dusra checkup karne, ja rahe hain ILS hospital and this is also the first time ki hum log GoPro 11 se shoot kar rahe hain. Anindita was really excited. Yes, I am very excited because it looks so compact and it's easy to handle. और ऐसे दिख रहा है। We have got a mic as well. 11:10 का appointment है, अभी हो रहा है 10. तो अभी plan है doctor के पास जाएंगे, hopefully सब ठीक ही रहेगा। We know what is going to happen, but still surgeon का एक opinion लेना चाहते थे। And then हम लोग जाएंगे office क्योंकि office में भी अभी mandates है, you have to be there at least twice a week and उसके बाद एक प्लान है, देखते हैं, अभी नहीं बोलते हैं, पता नहीं होगा कि नहीं बिकॉज ऑफिस का काम अगर बढ़ जाता है तो इट्स नॉट ईजी टू प्रेडिक्ट। तो फिर बात करते हैं आफ्टर द अपॉइंटमेंट। Hey guys, तो अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 12, मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ क्योंकि अनिंदा इज़ ऑन नंबर 8 एंड डॉक्टर अभी तक आए नहीं, ये OT वाले पेशेंट्स देख रहे हैं, तो मैं सोचा कि जाके थोड़ा काम निपटा के आता हूँ। अभी जा रहे हैं अपना सेक्टर 5 वाला ऑफिस। अभी ILS के बाहर है अनिंदा, सर्जरी सुन के उसका हाल टाइट है, तो अभी काफ़ी सारा टेस्ट दिया है
एंड देन डिसीजन हैज़ टू बी मेड रिगार्डिंग लैप्रोस्कोपी वर्सेज रोबोटिक, तो वो भी बात बात करेंगे और फिर एक दिन आएंगे टेस्ट करने के लिए और उसी दिन डेट लेंगे वंस वी फाइनलाइज कि कौन सा करना है. तब तक के लिए अनिंदा के लिए एक अच्छा न्यूज़ है. What? कि हम लोग अभी खाने जा रहे हैं okay. इसका फेवरेट प्लेस पे. पापा भी है और पापा थोड़ा विजिबली इरिटेटेड भी है कि मुझे क्यों लेके जा रहे हो एक कॉन्टिनेंटल प्लेस में. कोई नहीं बोलेगा कि ये लड़की कुछ देर पहले ओटी लेके इतना परेशान थी. बेकन रैप्ड प्रॉन्स इट इज. हैप्पी समवन इज वेटिंग. तो अभी लंच हो गया. We are coming out of the Steak and Grill. What? This series is not about you having lunch. So you cannot smile in this series. You have to... I always have to be sad. Yes, you have to Why? Fake sadness. You cannot be happy in this series. बस पूरे एपिसोड में सैड बस एक ही चीज के लिए कि सुवान को छोड़ के मुझे ओवरनाइट रहना है. एंड शी वाज इट्स अ पार्टी गाइस. एंड शी वाज यू गेट योर मी टाइम. अब बोलने दोगे तो यू विल बी इन अ प्राइवेट रूम. बस ठीक है, थैंक यू. पीपल केटरिंग टू यू. अपने इमोशंस पे कंट्रोल करो. सो व्हाइल वी आर कमिंग शी वाज लाइक क्राइंग फॉर 5-7 मिनट्स दैट आई हैव टू लीव माय सन. 2-3 दिन कैसे रहेगा बेचारा. पर उधर जाके देखो सुवान पूरा मजे में. मजे दिन में तो मजे में रहेगा. आई डोंट नो व्हाट ही विल डू एट नाइट. हाय गाइस, इट्स 25th टुडे. व्हाई कांट आई स्माइल. किसका ओटी होने वाला है और कौन बीमार है. सुबह से लटका हुआ है. सुबह से क्या, रात से लटका हुआ है. टेंशन तो पूरा रात तो टेंशन में बीत जाता है कि ये क्या करेगी हॉस्पिटल पे ओटी के बाद. ज़्यादा खाना मांग लेगी तो ज़्यादा बिल हो जाएगा. वो तो टेंशन होता ही है. ओटी के लिए कोई टेंशन नहीं, ना ही सुवान के लिए टेंशन. बस इसको ओटी के बाद खाना है. बोलेगी कि हाँ गॉल ब्लैडर तो हो गया, अभी खाना लाओ खाना. सो द बिलिंग इज डन. अभी हम लोग जा रहे हैं सेकेंड फ्लोर. So today we are at IMS Solnit for all the pre-hospitalization tests. तो अभी मतलब इतने सारे टेस्ट हैं तो सब अलग अलग डॉक्टर्स करवाएंगे. एंड एक डॉक्टर अभी जैसे निकल गए फिर वो साढ़े बारह बजे के स्लॉट में आएंगे. तो अभी देखते हैं. अभी हमको फिलहाल इको करने जाना है. सेकेंड फ्लोर जाए. So all the tests are done. It's almost 1:30 now. तो कल आके reports लेके फिर जो डॉक्टर ओम तात्या है वो नहीं रहेंगे तो एक और डॉक्टर है वो reports check करके फिर date देंगे. फिलहाल हम जा रहे हैं office. office में सप्तर्षि को थोड़ा काम है और मुझे थोड़ा इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में भी बात कर लेना है. एंड देन वी माइट हैव लंच एंड गो होम. हैव लंच नहीं, जैसे मैंने बोला था पिछले एपिसोड में कि एवरी डे वी कम आउट. आई नो यू विल बी अ लिटिल सैड. सो वो कॉम्पेंसेट करने के लिए आई विल टेक यू आउट फॉर लंच. सो एवरी डॉक्टर अपॉइंटमेंट डे इज ऑल्सो अ डेट डे फॉर अस. एंड अभी मम्मी को कॉल किया. सो सुवान इज स्लीपिंग सो वो भी एकदम टेंशन फ्री है. डाउनिंग स्ट्रीट. तो अभी ऑफिस से हम लोग इधर 10 डाउनिंग स्ट्रीट आ चुके हैं.
यूसी के बाद लगा ऑफिस इतना दिन बाद अच्छा लग रहा था, पुरानी यादें याद आ रही थी, इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस, बट नहीं जानना इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। सही है, हाईलाइट्स तो सही है। तो इट्स अ टोयोटा शो, एक्चुअल रीज़न आनंदिता ने बता ही नहीं। What? 10 डाउनिंग सीट क्यों ला रहा हूँ डर के मारे। Because you came here without me. मैं दोस्त लोग के साथ आया था, तब से उसका है कि मुझे लेके नहीं गया, दोस्त लोग के साथ चला गया। This is chicken shashlik with rice and this is chicken lasagna. This is my happy wife. चलो खाते। Patient हुआ खुश। Patient is fed. Patient is fed and happy. अब हलाल होने से पहले जो खिलाते हैं वो खिला दिया है, अब बस हलाल होना बाकी है। Hello everyone. So today is 26th of April और हम लोग अभी घर से निकल चुके हैं। It's 11:10 now. जा रहे हैं हॉस्पिटल क्योंकि आज डॉक्टर रिपोर्ट्स चेक करेंगे एंड देन ओटी का डेट मिलेगा। और आज बहुत गर्मी है एंड मेरा अभी फ़िलहाल ऑफिस का कॉल भी चल रहा है। बाबा इज़ ऑल्सो योर वेटिंग फॉर द डॉक्टर, वो अभी रिपोर्ट्स देखेंगे। अभी कुछ देर पहले हम लोग का छोटा डॉक्टर ऑलरेडी रिपोर्ट्स देख चुके हैं। तो फिलहाल घर जा रहे हैं, रिपोर्ट्स दिखा लिया, डेट ले लिया, सो 2nd of May को ओटी है, सुबह आके एडमिट होना है उसी दिन एंड बाकी सब फॉर्मेलिटीज भी कर लिया। फिर हम लोग ऑफिस गए थे, थोड़ा ऑफिस में बैठा काम किया और अभी घर जा रहे। तो कंटिन्यूइंग फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट, टेस्ट ख़त्म होने के बाद अनिता के घर आए, खाना वाना खाए एंड देन मेरे घर वापस गए। उसके बाद ऑफिस का कॉल, ऑफिस का काम, थोड़ा व्लॉग एडिटिंग एंड फिर आज दीदी आने वाली है। सो वेरी एक्साइटेड एंड वेटिंग नियर गेट नंबर 3A। Didi is here and so is my baby Shreyan. Ti vlog hai achi, ti vlog hai achi, ti vlog hai achi. Chalo. आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। होप यू हैव लाइक टुडेज वीडियो और डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो नेक्स्ट ब्लॉग में सप्तशी हम सबको एक जगह लेके जाता है, स्पेशली मेरे ऑनर में क्योंकि मेरा ऑपरेशन होने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड।